नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वाई सी टी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आजकल हम लोग एस एस सी जी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पिछले दिन हम लोगों ने 150 तक सॉल्व किया था, आज 151 से करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वोल्ट मीटर शोन इन द सर्किट रीड्स, सर्किट में जो वोल्ट मीटर दिया हुआ है वो कितना रीड कर रहा है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कहाँ पे है, ये है आपका वोल्ट मीटर, ये आपका कितना रीड कर रहा है सर्किट से वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है। ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है और यहाँ पर 24 वोल्ट सोर्स लगा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस दोनों या तीन चार जो भी हो सीरीज में रहे और उसके अक्रॉस में आपका वोल्टेज सोर्स लगा रहे तो वोल्टेज डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगने पर देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन करने के बाद इसके अक्रॉस में जितना वोल्टेज आएगा वही ये वोल्ट मीटर रीड करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए वोल्ट मीटर का जो फॉर्मूला होता है आपका V इफेक्टिव, V1 लिखा हुआ है, हम लोग को V1 निकालना है। तो V1 इक्वल्स टू आपका 24 वोल्ट जो डिवाइड होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। और जो उसका एक्रॉस में निकालना है वो वाला ऊपर में होगा और नी बाई टोटल मतलब 250 + 250 500, ठीक है। यहाँ पे देखिए 250 / 2 500 कट गया, 2 आ गया, तब होगा क्या, इक्वल्स टू 24 / 2 मतलब 12 वोल्ट। आंसर कितना होगा आपका, 12 वोल्ट आंसर होगा। सिंपली हम लोग क्या किए, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई किए और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आ गया वही आपका वोल्ट मीटर रीड करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डिस्क इज क्या है, हम लोग को बोलना है। क्या बोला है आपका, कंडक्टर वोल्टेज, ठीक है। देखिए चालक वोल्टेज, ठीक है, मतलब कंडक्टर का वोल्टेज सॉरी, ये देखिए चालक वोल्टेज बोला मतलब ये कंडक्टर का वोल्टेज है। नीचे क्या बोला था आपका, चालक के निकटतम इस मतलब डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है। ये जो रेशियो होता है आपका ये आपका हो जाता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका यहाँ पर मानिए ये दो इंसुलेटर है, ठीक है, ये एक इंसुलेटर है और एक ये इंसुलेटर है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलेटर लगाएंगे तो इसके अक्रॉस में टोटल आपका जो ये है कंडक्टर का जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस में आ जाएगा, ठीक है, VPH, ठीक है। और ये जो है V2 है आपका कंडक्टर का नियरेस्ट डिस्क का वोल्टेज, ठीक है, ये आपका सेल्फ कैपेसिटेंस है, सॉरी म्यूचुअल कैपेसिटेंस है, और ये आपका सेल्फ कैपेसिटेंस है, ठीक है। म्यूचुअल कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, इंसुलेटर और जो पोल होता है आपका, पोल के बीच का इंसुलेटर होता है, पोल के बीच का कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। और ये आपका ये दोनों, एक ये और एक ये,
ये अपना सेल्फ कैपेसिटेंस होता है इंसुलेटर का, इंसुलेटर डिस्क है ये, ठीक है। उसके अंदर कैपेसिटर को दिखाया गया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नियरेस्ट टू द कंडक्टर का वोल्टेज है V2, और कंडक्टर का वोल्टेज है आपका VPH, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया था, VPH बाई V2 इंटू नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क। यहाँ पे कितना, दो इंसुलेटर डिस्क है, एक और दो, यहाँ पर दो लिखे हैं। तो ये जो आपका एफिशिएंसी होता है, ठीक है, एफिशिएंसी का स्ट्रेन एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। कॉन्स्टेंट ऑफ ए एनर्जी मीटर इज गिवेन इन, उसका यूनिट बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देखिए, मीटर कांस्टेंट का आपका फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू एन बाई पी टी, ठीक है। एन होता है आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। पी होता है आपका पावर, टी होता है टाइम। आप पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका हो जाता है एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है मीटर में, उसका यूनिट क्या हम लोग जानते हैं, किलो वाट आवर। मतलब वाट होता है आपका पावर का यूनिट और आवर होता है आपका टाइम का यूनिट, दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाता है किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर क्या जानते हैं हम लोग, 1 यूनिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय किलो वाट आवर, ये दोनों का रेशियो का हम लोग बोलते हैं मीटर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मीटर कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या हुआ, सॉरी यूनिट नहीं, मतलब रेशियो जो होता है, ठीक है, ये आपको हो जाता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर किलो वाट आवर, ठीक है, यूनिट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एन एसी नेटवर्क लोड कनेक्टेड इज 10+j10, द फेज रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट, मतलब वोल्टेज और करंट में हम लोग को रिलेशन निकालने के लिए बोला है। लोड दिया हुआ है 10+j10, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दोस्तों, हम लोग लोड का जो पावर का दिया हुआ है वैल्यू, वो कॉपी है 10+j10, ये होता है आपका एक्टिव पावर और ये है रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो हम लोग को वोल्टेज और करंट के अंदर रिलेशन निकालने के लिए बोला है। तो इसके रिलेशन निकालने के लिए हम लोग को पहले आपका पावर फैक्टर जो एंगल है उसको निकालना पड़ेगा। पावर फैक्टर एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, आप लोगों को पहले के लेक्चर में बताया हुआ है कि एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे cos φ, cos φ से हम लोग निकाल लेंगे φ, जो कि V और I के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं φ का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव पावर जो है आपका वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपरेंट पावर होगा आपका रूट ओवर ऑफ एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, रूट ओवर ऑफ 100+100 प्लस टू रूट ओवर ऑफ 200, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 10√2, ठीक है। और हम लोग का एक्टिव पावर कितना है, यहाँ पे एक्टिव पावर है आपका
किलोवाट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग का कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई कॉस तो होगा आपका एक्टिव पावर 10 बाई एपरेंट पावर, आपका क्या निकला 10√2। यहाँ से आ जाएगा आपका बाई √2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, कॉस फाई इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, फाई का वैल्यू हो जाएगा 45, मतलब हम लोग के पास पावर फैक्टर का एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे आता है आपका। देखिए यहाँ पे मानिए आपका ये वोल्टेज फेजर है, ठीक है, वी है, और ये एंगल प्लस में आया है, मतलब ये लैगिंग एंगल है। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका आई और ये वाला एंगल होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, मतलब वी आई को 45 डिग्री से लीड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वोल्टेज लीड्स करंट बाई 45 डिग्री। ठीक है, समझ आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन द सप्लाई टू द एक्साइटेशन फेल्स द सिंक्रोनस जनरेटर एक्ट्स लाइक एन, मतलब एक्साइटेशन फेल हो जाए सिंक्रोनस मोटर, सॉरी सिंक्रोनस जनरेटर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर का अगर एक्साइटेशन फेल कर दे, मतलब E=0, ठीक है, तो वो आपका काम करेगा बिल्कुल इंडक्शन जनरेटर की तरह, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए जब एक्साइटेशन के लिए दी जाने वाली आपूर्ति विफल हो जाती है, तब उस जनरेटर इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो जनरेटर रिएक्टिव पावर देने के बजाय लेने लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इन व्हिच बोथ द रोटर एंड स्टेटर फील्ड्स रोटेट एट द सेम स्पीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है। यहाँ पे फील्ड स्टेटर और रोटर का दोनों एक साथ कभी सेम स्पीड पे मूव नहीं करता। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में हम लोग सबको जानते हैं कि वो एक स्लिप स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद डीसी मोटर, डीसी मोटर में जब फील्ड होता है आपका, फील्ड का तो डीसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई तो कभी रोटेट नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो फील्ड यहाँ पर रोटेट कर ही नहीं सकता, यहाँ पर भी गलत हो गया। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर टाइप का ही होता है आपका, तो वहाँ भी सेम केस है, आपका फील्ड मूव नहीं करता, क्योंकि आपका रोटर जो होता है उसका फील्ड कांस्टेंट होता है। ठीक है, और बचा सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, आपका फील्ड में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई कांस्टेंट फील्ड हुआ तो वो भी रोटेट नहीं करता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे फील्ड्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक मोटर इन विच बोथ रोटर एंड स्टेटर रोटेट विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सिंक्रोनस मोटर, एक वही मोटर है
जहाँ पे रोटर और स्टेटर दोनों सेम स्पीड पे घूमते हैं, ठीक है। आयोग ने भी इसका आंसर नो करेक्ट बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स एम्प्लॉयिंग बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे आपका फ्लोरोसेंट लैंप में यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप मतलब वो जो ट्यूबलाइट जिसको कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका ऑपरेशन थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। वेट करिए थोड़ा। फ्लोरोसेंट लैम्प का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बैलेस्ट लिखा हुआ है, ये आप लोग घर में जो लगा हुआ रहता है चोक, ठीक है, चोक है ये वाले, ठीक है। ये जो लिखा हुआ बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये वाला होता है आपका स्टार्टर, ठीक है। कैसे ऑपरेट करता है देखिए। फर्स्ट केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका ए सी मैच दिया हुआ था, ठीक है। तो ये बैलेस्ट के होते हुए पहले यहाँ तक जाती है, लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेशन नहीं होता, इसी कारण से ये करंट फ्लो होकर ट्यूबलाइट को ऑन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट केस में आपका ये करंट यहाँ से होके ऐसे करके ये से होके ये आपका बायोमेट्रिक स्ट्रिप के पास जाके ऐसे आती है, ठीक। तो यहाँ बायोमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है, इसके अंदर जो गैस रहता है, ठीक है, वो गैस आपको आयोनाइज होकर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप को हीट करती है। हीट होने के बाद क्या होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप अटैच हो जाता है। अटैच होने के कारण यहाँ से करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। जब करंट फ्लो हो जाता है तो ये जो बैलेस्ट है ये वर्क करने लगता है, ठीक है। बैलेस्ट जब चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद जब यहाँ पे ये एक ऑपोजिशन फोर्स काम करता है, क्योंकि इंडक्टर होता है ये सडन चेंज ऑफ आपका करंट को अपोज करता है। तो उसी दौरान यहाँ पे एक हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक है। और तब तक ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये जो बैलिस्टिक दिख रहा है आपको बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो दिख रहा है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने के बाद तो यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है, क्योंकि ऑपोज कर रहा है और सडन करंट चेंज को। तो ये हाई वोल्टेज जनरेट होने के कारण इसके अंदर जो गैस रहता है आपका हाई आर्गोन, जो गैस रहता है आपका आर्गोन गैस जो होता है वो आपका आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है, करंट से फ्लो होने रखता है। और यहाँ पर फॉस्फोर कोटिंग जो होता है ट्यूब के साइड गाय में, है ट्यूब के दीवार पे जो लेयर होता है फॉस्फोर कोटिंग, उसके थ्रू आपका यूवी लाइट के द्वारा आपका ग्लो करने लगता है, ठीक है। ये और ये जो आपका दिख रहा है छोटा सा स्टार्टर, ये आपका नियॉन बल्ब होता है, ठीक है। नियॉन बल्ब के अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है और ये आपका स्टार्टिंग के लिए काम करता है, ठीक है। स्टार्टर मतलब या बैलेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेस्ट अगर एक्टिवेट हो गया तो आपका इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगता है आयोनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर बैलेस्ट के अंदर लगभग इंस्टेंटली आपका 400 वोल्ट के आसपास वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। इतना ही वोल्टेज आपका इसके अंदर आयोनाइजेशन के लिए लगता है, और एक बार अगर ये करंट फ्लो होने चालू हो गया तो ये तब काम करना बंद कर देता है, ठीक है, स्टार्टर जो होता है आपका, ठीक है। मोटा मोटी आप लोगों को ऑपरेशन थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखें। टू बल्ब्स ऑफ रेटिंग, दो बल्ब दिया हुआ आपका, एक 230 60 वाट का और एक 230 100 वाट का, ठीक है। दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और हम लोग का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है,
हंड्रेड वाट बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, मतलब 100 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, दोनों बल्ब में कोई ग्लो नहीं करेगा और दोनों बल्ब भी इक्वली ब्राइट, मतलब दोनों बल्ब सेम रोशनी से ब्राइट करेगा। और चौथा क्या दिया, 60 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशंस होता है, जब यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड के केस में यहाँ पर होता है आपका, देखिए दोनों बल्ब का पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। फार्मूला होता है जब आपका वोल्टेज सेम हो तभी फार्मूला लगता है, और जब आपका दोनों बल्ब में करंट सेम फ्लो हो रहा हो तो उस केस में पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही इस फार्मूला से हम लोग आर को निकाल लेते हैं, तो 100 वाट बल्ब का आर 1 होगा आपका, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, वैल्यू पुट करके 529 ओम होता है, और 60 वोल्ट का बल्ब का होता है आपका 88160 ओम। तो यहाँ पर डिस्टेंस इसका ज़्यादा हुआ आपका R2 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 60 वोल्ट के बल्ब का हम लोग का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो, इसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, और इसका अगर रेजिस्टेंस कम हो, तो यहाँ से करंट जब निकलेगी तो हम लोगों का ज़्यादा रेजिस्टेंस को छोड़ के कम रेजिस्टेंस का पाथ खोजेगी, ये तो आप लोग सबको जानते हैं, ठीक है। पैरेलल में जहाँ आपका रेजिस्टेंस कम हो उसी पाथ को सबसे पहले फॉलो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोशिश करेगा, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, तो सिंपली ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये कम ग्लो करेगा क्योंकि इसमें कम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, 100 वोल्ट बल्ब विल ग्रो बेटर। अब दूसरा केस जो होता है आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो केस होता है आपका, देखिए ऐसे होता है, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, उसके सीरीज में दूसरा वाला बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है आपका, ये मानिए आपका 60 वाट है, और ये आपका 100 वाट, ठीक है। तो अब देखिए, अब रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे ज़्यादा निकला था, 8 8 कितना हुआ था आपका रेजिस्टेंस, 800 के आसपास था इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं पहले 800 के आसपास का रेजिस्टेंस था, अरे रुकिए करेक्ट वाला लिख देता हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था आपका 881 ओहम, और इसका था 529 ओहम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीरीज है, मतलब आपका करंट यहाँ पे ऐसे करके फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने कुछ देर पहले क्या बताया, जब दो रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और बल्ब जो होता है, ठीक है, बल्ब आपका फुली रेजिस्टिव लोड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो आपका वोल्टेज जो होता है वो आपका डिवीशन हो जाता है, वोल्टेज डिवीशन, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ का वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, आर डिवाइड बाई टोटल आर, ठीक है, आर टोटल, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका वी, ठीक है, ये होता है वोल्टेज डिवीजन का रूल। तो हम लोग का आर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 881 के अक्रॉस में हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो इस केस में आपका ग्लो 60 वाट का बल्ब ज़्यादा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, ठीक है। तो 60 वाट का बल्ब सीरीज के अगर लगा दिए तो 60 वोल्ट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है।
आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्या दिया हुआ है, इफ एन ऑल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज, मतलब अगर आप ऑल्टरनेटर यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर रही है तो टर्मिनल वोल्टेज का कंडीशन क्या होगा, अब देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि एक अल्टरनेटर यूनिटी पावर एकक शक्ति गुणक, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पर चल रहा है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज धनात्मक वोल्टेज नियम, ठीक है, के साथ प्रति विद्युत भाग बल EMF कम होगा, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है, इसी कारण से आपका वोल्टेज रेगुलेशन, इसी कारण से टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, जिसके कारण हम धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होती है, मतलब हम लोग का जो यूनिटी पावर फैक्टर होते हैं, ठीक है, उस केस में हम लोगों का जो मैग्नेटाइजेशन होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। इसको आप लोग को बताता हूँ कैसे होता है। आपकी यूनिटी पावर फैक्टर केस में मनी आपका आर्मेचर MMF है, ठीक है, ऑल्टरनेटर का, और ये आपका ऑल्टरनेटर का फील्ड MMF है, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर केस में आपका रिजल्टेंट MMF होता है आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इसका कुछ ऐसे होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट MMF होता है। तो आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होने के कारण ही आपका वोल्टेज जो होता है आपका, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो आपका लेस देन होता है आपका EF, मतलब आपका इंड्यूस्ड EMF से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कैसे आएगा, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी रेग, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं वी नो लोड माइनस वी एफ एल बाय वी एफ एल, ठीक है। ऑल्टरनेटर केस में नो लोड वोल्टेज आपका जो फील्ड वोल्टेज होता है वो ही होता है माइनस फुल लोड वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है बाय टर्मिनल वोल्टेज। तो इस केस में अगर हम लोगों का ई एफ ग्रेटर देन वी टी हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ई एफ अगर ग्रेटर देन हुआ तो आपका डेफिनेटली ये जो टोटल आंसर है आपका पॉजिटिव में आएगा, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेस देन द इंड्यूस्ड EMF, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है लेस देन EMF विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। ए शेडेड पोल मोटर इज बेसिकली ए, कौन सा मोटर है, हम लोग आप लोग लास्ट लेक्चर में बताया था शेडेड पोल जो मोटर होता है कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह का होता है शेडेड पोल, यहाँ पे ग्रीन लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ हम लोगों का फ्लक्स जाता है, ठीक है, इसी कारण से एक टॉर्क जनरेट होता है, उस टॉर्क के कारण ही हम लोग का मोटर घूमने लगता है। तो ये कौन सा वाला मोटर होता है आपका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। आप लोग जो सब नए व्यूअर्स हैं, आप लोगों का विनती है कि आप लोग पहले वाला लेक्चर सब देखें, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है हमने, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और वो देखिएगा तो आगे का लेक्चर भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है, चलिए 160 तक हो गया, आज यहीं तक रखते हैं,
आप लोग इसको रिवाइज करिए, दोबारा देखिए, प्रैक्टिस भी करिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।